गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे हो। खुदा ने हमें एक और दिन दिखाया, उसका शुक्रिया अदा। चलो चलते हैं वापस, आपको दिखाता हमारी बेला क्या कर रही है। दोस्तों सुबह सुबह खेल रही है अपनी बॉल से, इसकी बॉल डाल दी है इसके अंदर और ये अपनी बॉल को पकड़ने में लगी पड़ी है। उछल तेरी किताब। ये देखो। दोस्तों अभी भी घर आई हूँ तो मैंने चढ़ा दी सब्जी। देखो मैं बना रही दोस्तों परमल। देखो दोस्तों कुछ दिनों से ना मतलब भूख सी लग रही है मुझे, तो मैंने सारे घर चटनी बनवाई। उस दिन मैं तोड़ के लाई अपने ऑफिस से ही, तो थोड़ी चटनी बना ली, शरीर से भूख लगे मुझे तो उसको थोड़ी मैं निकाल दी। थोड़ा मन कर मतलब थोड़ा सा सोचती थोड़ा सा ही खा लूँ तरबूज, तो तरबूज खा रही हूँ मैं। आज कल चलेगी दोस्तों उसका पेपर कब है? 25 काजल का 29। उसको उसके 3 पेपर रह गए। हाँ उसके 3 है, तेरे 2। दोस्तों किसी ने हमें हलवा दिया है तो हलवा खा लेते हैं। ये देखो इंदु ने आज का हलवा खाने को बहुत मिलेंगे क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सारे पंजाबी लोग हैं और वो माता को बड़ा मानते हैं, तो इंदु ने हलवे खाने को, मैं तो थी नहीं, मेरी फ्रेंड ने दिया है घर पे, उनको पता है मैं खाती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है, उन्होंने घर पे दे दिया था। फिर मैंने अभी भी देखा, मैं तो थोड़ा सा खाती हूँ। चलो हलवा खा लेते हैं, जा रहे हैं दोस्तों नीचे वॉक करने, खाना खा के मैं और खुशी हैं, तो हम दोनों वॉक करते करते जा रहे हैं। ये हमारे घर की सोसाइटियाँ और झंडे वाला मंदिर, इतना शोर हो रहा है और बड़े बड़े डीजे लेके आए हुए, आज लास्ट दिन है इनका जोत ले जाने का। देखो दोस्तों हम सोसाइटी में घूम रहे हैं, तो ये महाराज कह रही है मैं आइसक्रीम खाऊंगी, तो मैंने कहा चल ले अपने पैसों से, ले ली पैसे लाई खुले खुले, मेरे भी नहीं है वो। दोस्तों मैं चल रही नंगे पैर यहाँ पर सड़क पर, तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस पर बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा दब रहा है पैर, एक्यूप्रेशर। तो मैं चल रही हूँ इस पर, तो अच्छा लग रहा है। देखो गाइस मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, अभी आइसक्रीम खा रही है, इसे मैं चप्पल ही पकड़ रखी है। देखो ये देखो, तो मैं पैर दिखा रही हूँ, नंगे पैर चल रही हूँ। मैंने कहा था ना मैं बीच बीच में नंगे पैर चला करूँगी। दोस्तों जहाँ मैं रहती हूँ सोसाइटी में, तो वहाँ पर हम बहुत पहले आते थे, मतलब हमारे चर्च के लोग भी यही रहते हैं, और ये ना हमारी प्रेयर मीटिंग यहीं होती थी। तब की कंस्ट्रक्शन की बात तो मैं याद कर लूँ, 97-96 की बता रही हूँ दोस्तों मैं। तो वहाँ पर यहाँ पर मतलब गाड़ियाँ नहीं होती, इक्का दुक्का स्कूटर होता था लोगों के पास, इक्का दुक्का गाड़ी होती थी पूरा खाली, और यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं करता था। और जो है बहुत छोटा सा था, तो उसको हम लेके आते थे यहाँ पर साइकिल पे। तो अब देखो यहाँ इतनी गाड़ियाँ, लोगों के पास 3-3 चाचा गाड़ियाँ हैं, और ऐसे ही बस लड़ते रहते पार्किंगों के पीछे, ये मेरी जगह है, मेरी किसी की जगह नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा ना मैं भी सुसु मेरे को बहुत तंग करते थे, तो मैंने थोड़ी सी दादागिरी दिखा दी, तो भैया हम भी यहाँ पर रहते हैं, हम भी किराया देते हैं, हम भी पैसे खर्च करते हैं। तो जब तक सुनते रहो तो थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो वो लोग सोचते तो कमज़ोर लोग हैं, तो छोड़ो परे लड़ाई झगड़ा, तो खैर मुझे भी नहीं पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता। तो अभी हम अंधेरे में आ गए, देखो
है ही है। रुक जाओ, बंद करो। तो लड़ाई झगड़ा तो हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बोला पर ठीक हो गए सब। तो ये सोचते हम यहाँ पे नए हैं, हम नए नहीं हैं, हम बहुत साल से यहाँ आते हैं। तो हमारे चर्च के लोग भी नीचे रहते हैं, अब उस चर्च में हम नहीं हैं, हम दूसरे चर्च में हैं। तो वो लोग नहीं बात करते तो हम भी नहीं करते, कोई टेंशन नहीं, बात थोड़ी ना है, मिल गए तो हाय कर दे, नहीं तो बाय भाई। तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। तो सबसे अच्छी जगह ये सोसाइटी की ये लगती है जहाँ पर हम घूम रहे हैं। चलो, तो सबसे अच्छी सोसाइटी यहाँ पर ये है, इस साइड वाली पार्क के साथ वाली। इन लोगों ने क्या करा, मिल के ना दो चौकीदार रखे हुए हैं, ना ही तो कुत्तों को गाड़ी पर चढ़ने देते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती। हम लोग यहाँ पर सारे कंजूस लोग हैं थोड़े बहुत, वो करना नहीं चाहते हैं। तो बिल्डिंग को इन्हें अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें क्या अच्छा करेंगे वो। तो ये नहीं कि मिल के ऐसा करें, 500 रुपये महीना दें और अपना अच्छा सा इसको रखें सोसाइटी को। तो हम तो 100 रुपये देते हैं जितना हमसे रहते, लेकिन मैंने सुना है वो अगले महीने से शायद वो कर देंगे 200 रुपये। जिनके पास जिस जितनी गाड़ियाँ हैं उतना उनसे लेंगे वो लोग। ऐसे करना भी चाहिए कि देखो, लोगों ने इतनी चाचा गाड़ियाँ ले रखी है और दूसरों को लोग मिलता नहीं है, एक जिसकी एक गाड़ी उसको मिलता ही नहीं है लगाने के लिए। तो हमारा इन लोगों ने पार्क भी बना दिया बड़ा अच्छा, अभी तो बंद है वो। चलो दोस्तों, करते हैं आप लोग को गुड नाइट नीचे से ही। और आज का दिन भी अच्छा रहा, मुझे डर लग रहा था कि मैं तबीयत ज़रा सी, मेरी तबीयत ख़राब होती तो मैं डर जाती हूँ कि यार मेरे को चक्कर ना आए, कि वो जो चक्कर आया ना शायद वो चक्कर एक साल या दो साल हो गए शायद, दो साल हो गए जब पहला मुझे हुआ था। उस चीज़ से मैं बहुत डर गई हूँ, मतलब मैं इतना डर गई कि मैं कोई झूला वूला, मैं कोई मतलब मैं इतनी वो थी ना कि मैं डरती नहीं थी किसी चीज़ से। तो ज़रा सा चक्कर आते तो मैं बहुत डर जाती हूँ, इसलिए मैं शांत बैठ जाती हूँ कि नहीं यार मैं अब चुप रहूँ, चिल्लाती हुई तो बैठ जाती हूँ, मुझे चिल्लाना नहीं है। तो चलो दोस्तों, इसलिए कह रही हूँ चलते हैं, गुड नाइट। आज का दिन बहुत अच्छा दिया खुदा ने, अच्छा रखा। तो आप लोगों को भी, हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बात करें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, करते हो जितने लोग करते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन सब के लिए बहुत बहुत प्यार, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत दिल से बहुत इज्जत है। और जब कभी मेरे 1000 भी हो जाएंगे तो मैं आप लोगों का मैं आप लोगों को पार्टी दूंगी, चाहे छोटी सी पार्टी दूँ पर दूँगी ज़रूर। ये नहीं कि पैसों की वजह से कर रहे हैं, ठीक है अपना अपना आपको बिजी रखना है तो इसलिए कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको कल सुबह जिंदा रहे तो। कल से नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं, आप लोग अभी से नवरात्रों की बधाइयाँ, हैप्पी नवरात्रे। और आप लोग के आप खुदा बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेसिंग करे। चलते हैं सबको, गुड नाइट, बाय।